हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम मशीन लर्निंग की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि किन किन ईयर्स में जो है मशीन लर्निंग के अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन्स हुई, कैसे कौन सी चीज़ डेवलप की गई। और किसी भी चीज़ की या किसी भी सब्जेक्ट की हिस्ट्री जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल रीज़न है कि जिस तरीके से उसकी हिस्ट्री में उस सब्जेक्ट की डेवलपमेंट हुई है, उस चीज़ को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप एक हायरार्की को समझ पाएंगे कि किस तरीके से उस सब्जेक्ट में इवॉल्वमेंट हुई है। तो सबसे पहला फेज़ इसके अंदर आता है हमारा ईयर 1950 से लेके ईयर 1960 का। तो ये 10 ईयर का जो हमारा फेज़ था, इसके अंदर जो है हमारी पहली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को डेवलप किया गया था, जो कि बेस्ड थी साइकोलॉजी और स्टेटिस्टिक्स पे। जैसे कि आज हम जितनी भी मशीन लर्निंग टेक्निक्स का, एल्गोरिदम का यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं। उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क के आस्पेक्ट्स है, उसके अंदर स्टेटिस्टिक के आस्पेक्ट्स है, उसके अंदर डोमेन नॉलेज के एस्पेक्ट्स हैं। बट जो फर्स्ट हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डेवलप की गई थी इन 10 ईयर्स के बीच में, वो जो है कम्प्लीटली बेस्ड थी आइडियाज़ पे, जो कि रिलेट करते थे साइकोलॉजी से और स्टेटिस्टिक्स से। सेकेंड फेज़ इसके अंदर आता है हमारा 1970s का। अब 1970s के अंदर क्या हुआ था, मशीन लर्निंग की जो भी हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी उनको यूज़ करना जो है स्टार्ट किया गया था, जैसे कि इमेज रिकग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब इमेज रिकग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है उस टाइम पे उतनी हाईली एक्यूरेट नहीं थी जितनी आज के टाइम पे है, जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे है। थर्ड इसका फेज़ आया हमारा 1980s का। 1980s के अंदर क्या हुआ था, सपोर्ट वेक्टर मशीन, जो कि मशीन लर्निंग की एक हाईली एफिशिएंट एल्गोरिदम है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे जो है हमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट क्लासिफिकेशन के जो आउटपुट थे हमारे डेटा के, वो हमें मिले थे। तो 1980s तक जो है हम इमेज रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन सभी एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे थे। बट उनकी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें एक ऐसी एल्गोरिदम की नीड थी जो कि हमारे डेटा को ईजिली क्लासीफाई कर सके, ईजिली सेग्रीगेट कर सके। तो SVM, दैट इज़ सपोर्ट वेक्टर मशीन, वो एल्गोरिदम थी जो कि 1980s में इंट्रोड्यूस की गई। और ये जो है हमारे ज़्यादा एक्यूरेट और डेटा की क्लासिफिकेशन के लिए जो है ज़्यादा एफिशिएंट रिजल्ट हमें देती थी। अब फोर्थ फेज़ आता है इसके अंदर हमारा 1990s का। अब इसके अंदर क्या था, हमारे स्टेटिस्टिकल लर्निंग एल्गोरिदम जो भी थी, यानी कि वो एल्गोरिदम जो कि कम्प्लीटली स्टेटिस्टिक्स पे बेस्ड थी, मैथ पे बेस्ड थी, उन एल्गोरिदम्स का जो है इस फेज़ में, इस डिकेड में जो है आपका राइज होना स्टार्ट हुआ। यानी कि वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो कि स्टेटिस्टिकल बेस्ड थी, उनका जो है इस फेज़ में 1990s में जो है बूमअप हुआ। अब इसकी कुछ एल्गोरिदम्स है जो कि स्टेटिस्टिकल बेस्ड है, जैसे कि बेजियन नेटवर्क्स, जो कि सुपरवाइज लर्निंग के नेटवर्क है, जो कि आने वाली हमारी यूनिट्स के अंदर, आने वाली हमारी वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और हिडन मार्कोव मॉडल्स। अब हिडन मार्कोव मॉडल जो है ये आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक मॉडल है। अब ये दोनों जो एल्गोरिदम है हमारी, ये कम्प्लीटली स्टेटिस्टिकल बेस्ड होती है, यानी कि डेटा के स्टेटिस्टिक पे बेस्ड होती है। और इन एल्गोरिदम की हेल्प से जो है हमने स्पीच रिकग्निशन और मशीन ट्रांसलेशन जैसी एप्लीकेशंस को जो है यूज़ करना स्टार्ट किया था, या फिर इन एप्लीकेशंस पे वर्क करना स्टार्ट किया था इस 1990 के फेज़ के अंदर। नेक्स्ट फेज़ इसके अंदर आता है हमारा 1997 का। अब 1997 के अंदर जो है IBM ने AI बेस्ड या फिर AI एप्लीकेशन बेस्ड, मशीन लर्निंग बेस्ड पहला कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम था डीप ब्लू। IBM डीप ब्लू के नाम से भी जो है हम इस कंप्यूटर को जानते हैं। और ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कि ह्यूमन के साथ चेस खेल सकता था या फिर ऑटोमेटिकली चेस को खेल सकता था। और इस कंप्यूटर ने, यानी कि IBM कंप्यूटर डीप ब्लू ने जो है 1997 के अंदर जो है उस टाइम के, यानी कि 1997 के, या मैं बोल सकता हूँ 90s के फेस के जो वर्ल्ड चेस चैम्पियन थे, उनको जो है बीट कर दिया था, उसको हरा दिया था। तो यहाँ से जो है मशीन लर्निंग का आप मान सकते हैं ये एक ब्रेक थ्रू पॉइंट था, एक ब्रेकआउट पॉइंट था, जहाँ पे इंडस्ट्री ने जो है, या मार्केट ने जो है, या कंप्लीट वर्ल्ड ने जो है हमारी मशीन लर्निंग को अप्रिशिएट किया था। और मशीन लर्निंग का राइज जो है सही मायने में 1997 से जो है स्टार्ट हो गया था। अब उसके बाद फेज आता है हमारा 2000s का, और 2000s के अंदर क्या हुआ था, जो भी हमारी एडवांस डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स थी जैसे कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स जिन्हें हम CNN के नेम से जानते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जिन्हें हम RNN के नेम से जानते हैं, ये जो है हमारी और कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस में यूज़ होना स्टार्ट हो गई थी। अब कौन कौन सी वो ऐसी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, सोफिस्टिकेटेड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन है जिनका यूज़ आज के टाइम पे हम कर रहे हैं, उसके अंदर आता है आपका वर्चुअल असिस्टेंट एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, और ऑटोमेशन ऑफ कार्स या फिर मैं बोल सकता हूँ सेल्फ ड्राइविंग कार। अब ये जो है वो प्रॉब्लम है, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जो कि मशीन लर्निंग ने इन नेटवर्क की हेल्प से, चाहे वो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हो या रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हो या फिर ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ न्यूरल नेटवर्क्स ने जो है 2000s में हमारी डीप लर्निंग एल्गोरिदम का यूज़ करके इन कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस को यूज़ में लाया और इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी, जब भी हम एक नया फेज डिस्कस कर रहे हैं, हमारी हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग में कुछ इवॉल्वमेंट हो रही है, कुछ एडवांसमेंट हो रही है। अब उसके बाद का जो फेज़ आता है वो मैंने यहाँ पे एक कंप्लीट ओवरव्यू में डिवाइड कर दिया है, जिसका मैंने यहाँ पे नेम दिया है, टाइटल दिया है दी 21st सेंचुरी। अब इस 21st सेंचुरी के अंदर जो है वो वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स जो कि मशीन लर्निंग का यूज़ करती है, यहाँ पे जो है उनके आपके एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला आता है अल्फ़ागो। अब अल्फ़ागो मैं आपको बता दूँ, ये एक हमारा जैपनीज़ गेम होता है और इसके अंदर जो है मिलियंस ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं, और ह्यूमंस के लिए भी जो है ये गेम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इसके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस यानी कि नंबर ऑफ चांसेस और नंबर ऑफ मूव्स जो है वो इतने ज़्यादा है कि ह्यूमन भी जो है इसके अंदर कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं हो पाया था। और इस गेम के, या मैं बोल सकता हूँ इस अल्फ़ागो गेम के जो वर्ल्ड चैम्पियन थे उस टाइम के 2002 के अराउंड, उनको जो है हमारी मशीन लर्निंग के, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन ने जो है इस गेम के वर्ल्ड चैम्पियन को जो है वहाँ पे हरा दिया था। नेक्स्ट हमारी कुछ एप्लीकेशंस है इमेज रिकग्निशन एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। अब इमेज रिकग्निशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ये दोनों जो है आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स और सिक्योरिटी कैमरास में यूज़ की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ सर्विलियंस। थर्ड इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन है स्पीच रिकग्निशन। अब स्पीच रिकग्निशन के अंदर हम क्या करते हैं, स्पीच को रिकग्नाइज करते हैं, जो भी ह्यूमन या मशीन कुछ भी वो स्पीक कर रही है, बोल रही है, हमें उसके वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, उसके मीनिंग को जो है रिकग्नाइज करना होता है। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे आज के टाइम पे, सीरी, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा एंड एटसेट्रा। बहुत ज़्यादा ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट आज के टाइम पे अवेलेबल हैं जो कि स्पीच रिकग्निशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप इसके अंदर ले सकते हैं रेकमेंडर सिस्टम। अब रेकमेंडर सिस्टम आप इसको बोलिए या आप बोलिए इसको रेकमेंडेशन सिस्टम। अब जितने भी हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स के अंदर आता है हमारा नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, और म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स के अंदर आता है आपका स्पॉटिफाई, विंक, इस तरीके से बहुत सारे आपके जो है रेकमेंडेशन सिस्टम की एप्लीकेशंस है जहाँ पे हमारी मशीन लर्निंग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी मेडिकल डायग्नोसिस एंड प्रेडिक्शन। अब मेडिकल के अंदर जो है, यानी कि हमारी मेडिकल लाइन में, डॉक्टरेट लाइन के अंदर जो है हमारी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए जो है हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कैंसर डिटेक्शन। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आपको कैंसर को डिटेक्ट करना है तो करंटली जो है मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम्स हैं वो अभी इतनी एफिशिएंट है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपकी बॉडी के अंदर से, या फिर मैं बोल सकता हूँ किसी पर्टिकुलर पेशेंट जिसके हिस्ट्री, यानी कि जिसकी मेडिकल हिस्ट्री जो है अगर मशीन के पास है इन द फॉर्म ऑफ डेटा, तो वो प्रिडिक्ट कर सकती है कि क्या इस पर्सन को, क्या इस पेशेंट को कैंसर है या नहीं। फ्रॉड डिटेक्शन। अब फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी जो है आज के टाइम पे हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ होती है, और ये भी जो है हमारी करंट एक एप्लीकेशन है, चाहे वो हमारी लोन की फ्रॉड डिटेक्शन हो, ईमेल फ्रॉड डिटेक्शन हो, उन सभी के अंदर जो है हमारा फ्रॉड डिटेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी मेल, कोई भी लिंक जो है वो आपका फ्रॉड कैटेगरी के अंदर है या नहीं है। नेक्स्ट आते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको हम एनएलपी के नेम से भी जानते हैं, जो कि इस टाइम पे करंट टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है, या फिर मैं बोल सकता हूँ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। इसके अंदर आपके एग्जांपल्स आते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस और चैटबॉट्स। अब सेंटिमेंट एनालिसिस का मैं मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुका हूँ और इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी कि आप कुछ टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट लेते हैं और मशीन आपको उस ह्यूमन का, उस इंडिविजुअल का सेंटीमेंट बता देती है, उसका बिहेवियर बता देती है कि वो किस मूड में है। और चैटबॉट का एग्जाम्पल आप आज के टाइम पे हर एक वेबसाइट पे देखते हैं जहाँ पे एक चैटबॉट यानी कि एक रोबोट जो है वो आपसे चैट कर रहा होता है और उसके अंदर ह्यूमन का बिल्कुल भी इंडल्जमेंट या फिर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये थी हमारी कंप्लीट हिस्ट्री और मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको इनके हर एक फेज़ जो है इजीली याद रहे। और इसके जो भी फेज़ थे मैंने आपको डेकेड की फॉर्म में जो है डेवलप करके दिए हैं। पहला फेज़ था 1950 to 60, सेकंड 70s का, थर्ड 80s का, फोर्थ फेज़ था हमारा 90s का, और उसके बाद फिफ्थ फेज़ से जो है हमारा आता है इन 1997 ईयर एंड देन 2000। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ईयर याद रखना है स्टार्टिंग का, दैट इज 1950 to 60। सात के सात फेज जो है आपको इजीली याद रहने वाले हैं। और 21st सेंचुरी जो है आपको हर जगह पे पुट डाउन करना होगा, बिकॉज आप 21st सेंचुरी के अंदर जो है लिव इन कर रहे हैं और इसके अंदर जो है हमारी सभी एप्लीकेशंस हैं जो कि आप करंटली यूज़ भी करते हैं। थैंक यू।